हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके बताना। और आज आपके किचन में क्या बना है वो भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं, कहते ना कि मांस मछली अंडा बहुत दबा के खाते हो, और जब सावन आता है, मंगलवार आता है, नव दुर्गा आती है, तो धार्मिक बन जाते हो, सात्विक खाने लगते हो। तो आप क्या भगवान से क्या छुपाना चाहते हो? भगवान से छुपाना चाहते हो कि मैं बड़ा सात्विक हूँ? सेम ऐसे ही, यदि आप कोई पाप कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आप भगवान की नजरों में आप अच्छे बनना चाहते हो, तो कहाँ तक अच्छे बन पाओगे यार? हैं? आपके पाप कभी छुपेंगे नहीं किसी से भी। मैं बस इतना बोलूंगी, भगवान से डरो। जो इस तरीके के कांड करते हैं लोग, उन्हें भगवान से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है ना। जब घड़ा भराता है ना, धीरे 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 धीरे, तब जाके पता चलता है। हम लोग कहते हैं कि अरे यार, इसने इतने पाप किए, इसको सजा क्यों नहीं मिल रही है? नॉर्मली ये क्वेश्चन उठता है लोगों के मन में जब उनके साथ कोई गलत करके जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सजा भगवान जब तक नहीं देता, जब तक उसका पूरा घड़ा नहीं भर जाता। और जब घड़ा भर जाता है, तब रोने के लिए कुछ बचता नहीं है। जब तक तो इंसान अपनी शान में बहुत अच्छा घूमता है, उसे लगता है यार हम जो कर रहे हैं, हमारे आगे कोई कुछ नहीं है ना। अपने आप को राजा समझता है, अपने आप को भगवान समझने लगता है ना। लेकिन उसको ये चीज समझ नहीं आती कि वो जो जिस घमंड में, जिस शान में घूम रहा है, वो एक दिन चकनाचूर हो जानी है। और जब वो चकनाचूर होगी ना, उस टाइम रोने के लिए कोई भी नहीं होगा आपके पास। सारे रिश्ते नाते सब छोड़ के जा चुके होंगे, और उस टाइम आप अपने आप को सबसे अकेला महसूस करोगे। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगी सबसे, किस तरीके का, यदि आप लोग भ्रम पाल के चल रहे हो अपने मन में कि हम जो करेंगे वो ही सही है ना, वो ऊपर वाला नहीं देख रहा है, तो ये बहुत बहुत गलत विचार आपके मन में आ रहा है। मैं बस इतना कहूंगी, भगवान से डरो यार। भगवान हर एक चीज की, इसलिए कहते हैं कि कभी किसी का भी जाने अनजाने में दिल मत दुखाओ, है ना। क्योंकि जब भगवान देने पे आएगा ना, जब भगवान आपका दिल दुखाने पे आएगा ना यार, जब आप नाक घिस घिस के भगवान के आगे माफी मांगोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन भगवान आपको माफ नहीं करेगा। इंसान तो आपको माफ कर देगा, लेकिन भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। और तो कुछ नहीं कहना है मुझे दोस्तों, बस मैं ऐसे विचार मेरे मन में आए तो आप लोग के साथ मैंने शेयर करे कि लोग दूसरों को सिर्फ बेवकूफ समझते हैं कि हम इनको बेवकूफ बनाएंगे और ये बनते जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ना। और ये नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर किसी इंसान को लेके बात नहीं कर रही हूँ, कि लोग ऐसा अपने मन में भ्रम पाल के चलते हैं किसी के भी लिए भी, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, बस इतना ही बोलूंगी कि बस वो बैठा है, उसकी सुनो बस। वो जो आपको लगे ना कि हाँ ये भगवान की निगाहों में सही होगा और आपकी खुद की निगाहों में सही होगा, वो ही काम आप लोग करो, और कुछ नहीं, है ना। और मैं क्या ही बोलूँ ऐसे लोगों के लिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है मेरे मन में ये है, क्योंकि मैं उस भगवान से बहुत डरती हूँ। तो जय श्री राम दोस्तों, आई होप कुछ लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। समझ समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो फिर ऊपर वाला जाने और आप लोग जानो। क्या बोल सकती हूँ ऐसे लोगों के लिए, ना? है कि नहीं? चलिए दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो।